सपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। सम्मेलन में पहुंचे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर जमकर निशाना। बोले सपा से घबराई भाजपा ने पितृपक्ष में मात्र 1.5 माह के लिए किया मंत्रिमंडल का विस्तार। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नहीं जानते पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से आती है जाती। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए डॉक्टर राजपाल कश्यप ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की खूब आलोचना की। दरअसल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप कासगंज शहर के उर्मिला गेस्ट हाउस में सपा के आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कश्यप ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार समाजवादियों से डरी हुई है, इसलिए पिछड़ों को साधने के लिए पितृपक्ष में ही महज 1.5 या 2 महीने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। यह सिर्फ बीजेपी सरकार का लॉलीपॉप है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता अब पिछड़े, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर सभी छात्र नौजवान सभी लामबंद हो रहे हैं और बीजेपी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी से घबराई हुई है, इसीलिए पितृपक्ष में भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है और वो मंत्री बना रही है जो 1.5 महीने के लिए मंत्री रहेंगे, 1.5 महीने के लिए, जिनको बजट भी नहीं मिलेगा। ये घबराई हुई सरकार है। दलित, पिछड़े भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ लाभमंद हो रहे हैं, सभी जातियों के लोग लाभमंद हो रहे हैं, इससे घबराई हुई सरकार है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया है और पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा किए गए सवाल, पिछड़ा वर्ग का गणित इस बार सपा के लिए क्या और कौन कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग में आती हैं, परंतु मीडिया के इस सवाल पर गोल गोल घुमाते दिखे नेताजी। नेताजी को नहीं पता कि पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां आती हैं, वो वही अपना रटा रटाया जवाब देने लगे। माननीय अखिलेश यादव जी का, नेताजी जो पिछड़ा वर्ग का गलत क्या है और इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं? पिछड़े वर्गों के साथ में जो अन्याय किया है, पहले तो पिछड़े वर्गों को माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है पार्लियामेंट में पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना कराई जाए और उन्होंने तो कहा है सभी जातियों की जाति जनगणना कराई और जनगणना करा के आबादी के हिसाब से उनके लिए योजनाएं बना के हक और अधिकार दिए जाए उनके विकास के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा है, हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं हो सकती, यही पिछड़े और दलित लामबंद होके बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाने का काम। यूएफटी लाइव के लिए धीरेन्द्र बेदी की रिपोर्ट।